नमस्कार। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। मामला राजनीतिक रूप भी ले चुका है। तमाम नेता आर्यन का समर्थन करते हुए इसे साजिश बता रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने तो एनसीबी को लेकर ही ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि अधिकारियों को आगे आकर सफाई पेश करनी पड़ गई। खैर, अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल एनसीबी ने इस केस में शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि 12 घंटे तक चली इस पूछताछ में ड्राइवर ने 2 अक्टूबर की रात हुई रेव पार्टी से जुड़े कई बयान दिए। सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर ने बताया है कि उसने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स को मर्सिडीज में क्रूज पर ड्रॉप किया था। एनसीबी अब ड्राइवर के बयान को आर्यन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। खबरें हैं एनसीबी नहीं चाहती कि आर्यन को जमानत मिले। दरअसल शाहरुख के ड्राइवर से पूछताछ का मकसद ये था कि जानकारी जुटाई जा सके कि गाड़ी में बैठकर आर्यन और उनके दोस्त क्या बातें कर रहे थे। खबरें हैं कि इससे संबंधित जानकारी भी ड्राइवर ने अधिकारियों को दी है, जिसे गोपनीय रखा गया है। लेकिन हाँ, उसने ये जरूर कबूल किया है कि अरबाज और आर्यन को उसने क्रूज टर्मिनल पर छोड़ा था। आपको बता दें, 2 अक्टूबर की रात को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर एनसीबी ने अचानक छापेमारी कर सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि यहां से एनसीबी ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया था। आर्यन खान क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नाम था, इसीलिए इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया था। हालांकि तमाम आलोचनाएं झेलने के बाद आर्यन को फिल्मी जगत से समर्थन मिल रहा है। पॉलिटिशियंस भी आर्यन और शाहरुख के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही है। बहरहाल, अब ड्राइवर का बयान एनसीबी किस तरह से इस्तेमाल करती है, ये देखना होगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।